देवी राधा को पुराणों में श्री कृष्ण की शाश्वत जीवन संगनी बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि राधा और कृष्ण का प्रेम इस लोक का नहीं बल्कि परलोक का है। सृष्टि के आरंभ से और सृष्टि के अंत होने के बाद भी दोनों नित्य गोकुल में वास करते हैं, लेकिन लौकिक जगत में श्री कृष्ण और राधा का प्रेम मानवी प्रेम में था और इस रूप में इनके मिलन और प्रेम की शुरुआत की बड़ी ही रोचक कथा है। इस कथा के अनुसार देवी राधा और श्री कृष्ण की पहली मुलाकात उस उम्र में हुई थी जब देवी राधा 11 माह की थी और भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक दिन के थे। मौका था श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। मान्यता है कि देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से 11 माह बड़ी थी और कृष्ण के जन्मोत्सव पर अपनी माता कीर्ति के साथ नंदगांव आई थी। यहाँ श्री कृष्ण पालने में झूल रहे थे और राधा माता की गोद में थी। भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा की दूसरी मुलाकात लौकिक ना होकर अलौकिक है। इस संदर्भ में गर्भ संहिता में एक कथा मिलती है। यह उस समय की बात है जब श्री कृष्ण नन्हे बालक थे। उन दिनों एक बार नंद राय जी बालक श्री कृष्ण को लेकर भांडीर वन से गुजर रहे थे। उस समय अचानक एक ज्योति प्रकट हुई थी जो देवी राधा के रूप में दृश्य हो गई। देवी राधा के दर्शन पाकर नंद राय जी आनंदित हो गए। राधा ने कहा कि श्री कृष्ण को उन्हें सौंप दें। नंद राय जी ने श्री कृष्ण को राधा जी की गोद में दे दिया। श्री कृष्ण बाल रूप त्याग कर किशोर बन गए। तभी ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने कृष्ण का विवाह राधा से करवा दिया। कुछ समय तक राधा कृष्ण के संग उसी वन में रहे। फिर देवी राधा ने कृष्ण को उसके बाल रूप में नंद राय जी को सौंप दिया। राधा और कृष्ण की लौकिक मुलाकात और प्रेम की शुरुआत संकेत नामक स्थान से माना जाता है। नंदगांव से 4 मील दूरी पर बसा है बरसाना गांव। बरसाना को राधा जी की जन्मस्थली भी माना जाता है। नंदगांव और बरसाना के बीच में एक गांव है जो संकेत कहलाता है। इस स्थान के विषय में मान्यता है कि यहीं पर पहली बार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का लौकिक मिलन हुआ था। हर साल जन्माष्टमी यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक यहां तक मेला लगता है और राधा कृष्ण के प्रेम को याद कर भक्तगण आनंदित होते हैं। इस स्थान का नाम संकेत क्यों हुआ, इस विषय में कथा है। जब श्री कृष्ण और राधा के पृथ्वी पर प्रकट होने का समय आया तब एक स्थान निश्चित हुआ जहां दोनों का मिलना तय हुआ। मिलन का स्थान संकेतिक था, इसीलिए यह संकेत कहलाया। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।